इंडिया गठबंधन के विधायक दलों की बैठक यहाँ पर शुरू होने वाली है। तमाम मंत्र विधायकों का आना जाना यहाँ पर शुरू है और हलचल देख सकते हैं। तस्वीरें जो है वो साफ है कि किस तरह से हलचल तेज है। संकेत साफ है झारखंड की राजनीति में कुछ तो बड़ा परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन किस ओर इशारा कर रहा है यह कहना फिलहाल मुश्किल है। मंत्रिमंडल में दो खाली सीटों पर नए चेहरे आ सकते हैं, क्योंकि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कोटे से एक पद खाली चल रहा है, वहीं 12वें मंत्री का पद भी खाली चल रहा है। तो इस पर भी आज निर्णय हो जाएगा। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये पहली बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उनकी सहमति का कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा था। गुलाम अहमद मीर ने उनसे जेल में ही जाकर मुलाकात की थी, तमाम चीज़ों पर चर्चा की थी। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे होंगे ये तमाम चीज़ें होने वाली है। लेकिन यहाँ पर महागामा से विधायक दीपिका सिंह पांडे जब पहुँचती है और हमने जब उनसे पूछा कि क्या मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलने वाली है, क्योंकि उड़ती फिरती अफवाह थी कि मंत्री बादल पत्रलेख की जगह जो है दीपिका सिंह पांडे को यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो इस सवाल का जवाब आप खुद सुनिए कि दीपिका सिंह पांडे ने क्या दिया है। क्या वो मंत्री बनना चाहती है या फिर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है या नहीं, आप खुद सुनिए दीपिका सिंह पांडे क्या बोलती है। एजेंडा आने वाला आगामी चुनाव है, आप लोग सबको पता है, फिर ये सवाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हम मीडिया में तो ये सारी बातें सुन रहे हैं, बैठक में क्या होता है वो एक बार पता चल जाता है तो फिर आप लोगों से भी साझा करेंगे। लेकिन आपको क्यों लगता है कि इतने आनंद फानन में एक चुनाव? भाई आनंद फानन क्या, खाली भाजपा बैठक करेगी क्या? विधायकों के साथ बैठक करना मुझे लगता है चुनावी रणनीति का हिस्सा है। हमारे जो जरूरी काम कुछ अगर इलाके में छूटे हुए हैं वो हमें बताने का मौका मिलेगा और आगामी चुनाव को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सके इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। कहा जा रहा है इस बार आपको मंत्रिमंडल में जगह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग अच्छे से दोबारा विधायक चुन करके आना चाहते हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।